दिग्विजय सिंह का भरोसा शायद भोपाल ताल में डूबता जा रहा है। शायद उन्हें अब ना खुद पर भरोसा है और ना कांग्रेस के नेताओं पर, यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी नहीं। इसीलिए तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कड़ी और बड़ी लड़ाई जीतने के लिए उन्हें सीपीआई का सहारा चाहिए। बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को उन्होंने भोपाल में प्रचार के लिए बुलाया। दिग्विजय सिंह खुद को कन्हैया कुमार का बड़ा प्रशंसक बताते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि चुनावी वैतरणी कन्हैया कुमार पार कराएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार को बुलाने के पीछे उनकी सोच गहरी है। जानकार बताते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो साध्वी के खिलाफ वो नहीं बोल सकते, इसके लिए उन्हें कन्हैया कुमार सबसे मुफीद लगे। भोपाल बुलाने के पीछे उनकी मंशा यही है कि साध्वी प्रज्ञा के साथ बहस करें कन्हैया और वोट की मलाई खाएं दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या किसी दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए ना बुलाने के पीछे उनकी यही सोच है। प्रज्ञा सिंह की चुनौतियों से निपटना शायद उनके अकेले के बस में नहीं, क्योंकि साध्वी के साथ पूरा संघ परिवार है, उनके कार्यकर्ता हैं। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाते हैं तो उनकी बड़ी किरकिरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।